तो ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अ गुलाब जामुन वाला जो क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, इसके अंदर क्या पूछ रहा है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब कि गुलाब जामुन की जितनी भी वॉल्यूम होगी उसका 30% इसके अंदर सिरप होगा, तो फाइंड द अप्रोक्स हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब ऐसे ही 45 गुलाब जामुन हैं, उनके अंदर कितना टोटल शुगर सिरप होगा वो ढूंढना है हमें। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, जब हर एक की जो शेप है वो सिलेंडर जैसी हो, विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, जिसके अंदर जो हेमिस्फेरिकल एंड जुड़े हुए हैं सिलेंडर के दोनों हिस्सों पे, जिनकी लेंथ हो जाए 5 सेंटीमीटर और डायमीटर हो जाए 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें किस किस चीज में ब्रेक करना है, शुगर सिरप में जो कि 30% है इसकी वॉल्यूम का एक गुलाब जामुन में, ऐसे ही 45 गुलाब जामुन का ढूंढना है हमें। ठीक है, दूसरा है 45 गुलाब जामुन का, तीसरा है इसमें हिंट, हर एक की शेप जो है सिलेंडर और दो हेमिस्फेरिकल एंड जुड़े हुए हैं जिसकी लेंथ बन जाती है 5 सेंटीमीटर। अब कुछ ये क्वेश्चन बनेगा ऐसा, ये गुलाब जामुन सिलेंडर बना रहा हूं मैं, और सिलेंडर के दोनों हिस्सों पर हेमिस्फेयर जुड़ा हुआ है, जिससे इसकी टोटल जो लेंथ हो जाती है 5 सेंटीमीटर हो जाती है। बोलेगा नहीं आपको कि टोटल लेंथ जो है, बोला लेंथ जो हो जाएगी इस गुलाब जामुन की, जब सिलेंडर पे दो हेमिस्फेयर अटैच हो जाएंगे तो 5 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो डायमीटर इतना हो गया, टोटल लेंथ इतनी हो गई, तो हम कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, ठीक है, तीनों को वॉल्यूम जोड़ेंगे तो टोटल गुलाब जामुन का हमारे पास क्या है, वॉल्यूम आ जाएगा। फिर उस वॉल्यूम को निकालने के बाद उसका 30% निकालेंगे और फिर 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सिरप हमारे पास आ जाएगा। तो शुरू करते हैं इसकी वर्किंग, तो इसका डायमीटर जो 2.8 सेंटीमीटर है, अगर हम इसे ब्रेक कर लें तो इसकी रेडियस हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हमें गिवन लिखना पड़ेगा, गिवन क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ साइलेंडर आर इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आधा करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर वो भी आर है, बराबर है, ठीक है, वो भी 1.4 सेंटीमीटर है। अब जो टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर है, अब हमें पता है कि ये जो 1.4 जो इसकी होगी एक हेमिस्फेयर के अंदर, वही डेप्थ होती है जब हेमिस्फेयर हम बनाते हैं, तो इसकी जो रेडियस है वो यहाँ तक टच करती है, ठीक है, इसलिए हेमिस्फेयर बन पाता है। तो ये भी आर, यानी ये जितना 1.4 सेंटीमीटर होगा उतना ही इसकी डेप्थ होगी 1.4, और इधर भी सेम रहेगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.4 इधर 1.4 इधर, तो सिलेंडर की हाइट हमें चाहिए तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 में से अगर मैं 1.4 माइनस 1.4 माइनस कर दूं, यानी 5 में से 2.8 माइनस कर दूं, तो मेरे पास आ जाता है 2.2 सेंटीमीटर इसकी जो हाइट हो गई सिलेंडर की। तो मैं लिखता हूं हाइट ऑफ सिलेंडर एच, यानी 2.2 सेंटीमीटर, हाइट मिल गई सिलेंडर में, रेडियस मिल गई, रेडियस चाहिए सिर्फ हेमिस्फेयर की वॉल्यूम निकालने के लिए, तो हम शुरू करते हैं इसको निकालना। तो हम क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ साइलेंडर प्लस, अब ये दो हेमिस्फेयर सेम सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है, तो एक का जो जितना वॉल्यूम होगा उतना ही दो का होगा, तो हम दो बारी कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक,
सही से रब कर देना चाहिए। तो अब क्या करना है इसमें, पाई आर स्क्वायर एच प्लस टू टाइम्स ऑफ टू बाई थ्री ऑफ पाई आर क्यूब। अब जो हेमिस्फेयर है वो होता है टू बाई थ्री पाई आर क्यूब उसकी वॉल्यूम, तो साइड में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ साइलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है हमारा टू बाई थ्री पाई आर क्यूब। हमारा फॉर्मूला यहाँ पे तैयार है। अब जो भी कॉमन निकाल सकते हैं वो निकाल लेंगे, ठीक है। पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, अंदर रह गया एच, अंदर रह गया फोर बाई थ्री और रह गया एक आर, ठीक है। तो इतना समझ आ चुका होगा आपको कि पाई कॉमन आ गया दोनों में से, आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाता है, रह जाता है एच यहाँ पे, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पे एक आर रह जाएगा कॉमन, टू और टू मल्टीप्लाई फोर और बाई थ्री। अब ऊपर का मिटा देता हूं। अब क्या करेंगे, 22 बाई सेवन आर स्क्वायर कितना है, आर हमारे पास रेडियस कितनी है 1.4, 1.4 का स्क्वायर, हाइट थी 2.2 प्लस 4 बाई थ्री रेडियस थी 1.4, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 22 बाई सेवन मल्टीप्लाई 1.4 दो बारी लिखेंगे, डेसिमल उड़ा देंगे 10, डेसिमल उड़ा देंगे 10, अंदर 2.2 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई यानी 14 की मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है, 7 से 14 कट जाएगा, बचेगा 2, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 अपॉन में 100। अब कहेंगे इसको 100 को इससे काट दो, तो 100 से हमें काटना नहीं है क्योंकि काटेंगे तो फिर और छोटे फॉर्म में आ जाएगा, रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा जो कि हम नहीं चाहते कर रहे हैं, ठीक है। 6.6 प्लस 5.6 3। अब कुछ और कैंसिल हो रहा है तो अगर कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही चलते रहेंगे। 100 मल्टीप्लाई ये 6.6 और 5.6 ऐड करना, 6.6 और 5.6 ऐड करना, 2 1 6 और 6 12, 12.2 आ जाएगा इसका आंसर अपॉन में 3। अगर इसका भी डेसिमल उड़ा दे तो एक यहां पे आ जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे और उतनी डेसिमल लगा सकते हैं, या फिर हम 3000 से डिवाइड कर देंगे उसकी। 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 1। तो अभी तो हमारे पास ये है और अभी काटने लायक कुछ भी नहीं है। अब हमारे सामने ये आ चुका है, मगर क्या हमें ये चाहिए था, हमें तो ये एक वॉल्यूम का, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है, तो हमें तो मांगा गया था सिर्फ कितना है टोटल 45 गुलाब जामुन में, 45 में, तो हम इसे यहाँ पे कट ना करके या फिर डिवाइड ना करके हम इसको ऐसे ही लेके चलते हैं, हो सकता है फर्दर आगे कुछ कट जाए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि वो बोल रखा था 30% इसका सिरप होगा, इसकी वॉल्यूम का जितना भी आएगा उसका 30% सिरप होगा उसके अंदर। तो अगर हम 30% करें इसका, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन वो है इतना, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 122 अपॉन में 3000। अब कह रहा है 45 का निकालें, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 45 की मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 122 अपॉन में 3000। ये हो गया 45 गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम।
अब एक गुलाब जामुन का 30% निकालूं या 45 का निकालूं, बात तो बराबर ही है क्योंकि सब पे ही सब में ही 30% उसका सिरप होगा। तो क्या होता है एक्चुअली में, जब हम टोटल एक साथ कर लेते हैं, अगर ऐसी सेम सेम आइटम है और उनमें सब में 30-30% है, तो 30% एक बार ही निकालेंगे, पहले निकालने की जरूरत नहीं है। पहले हम इनका टोटल वॉल्यूम निकालते हैं, फिर उसकी 30% निकालते हैं, ठीक है। तो इतना आने के बाद 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आने के बाद, अब मैं 30% इसका निकाल देता हूँ, तो हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा सिरप का, शुगर सिरप जो भी है उसके अंदर जितना भी है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है। तो हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना है, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो टोटल शुगर सिरप कितना होगा, टोटल शुगर सिरप इक्वल टू 30% ऑफ दिस। तो 30% ना लिख के हम क्या करेंगे, 30/100 लिखेंगे, परसेंटेज हटाया तो 100 आया, मल्टीप्लाई में ये चीज लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज लिखने के लिए हमें जगह चाहिए, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूं, 30/100 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 122 अपॉन में 3000। आप कट्टा पिट्टा कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो गई, ठीक है, 3 से ये गया तो 1000 बच गया यहाँ पे, ठीक। और क्या कर सकते हैं, अब और तो कुछ ज्यादा हो नहीं सकता, एक 1000 और एक ये 10 बच गया, तो हो गया 10000। 45 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 122 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो वॉल्यूम आ रही है हमारी सेंटीमीटर क्यूब में आ रही है, तो हमें लिखना जरूरी है, तो यहाँ भी मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख दूंगा। जहां जहां हमने वॉल्यूम निकाल के छोड़ा होगा, सेंटीमीटर क्यूब लगाना जरूरी है, क्योंकि सब सेंटीमीटर में थे, मीटर में नहीं थे, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगी वॉल्यूम। अगर ये आप लिखना भूल गए तो नंबर कटेंगे आधे। अब सबको मल्टीप्लाई करना है, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा कुछ, अब जो हमारा आंसर आ रहा है सबको मल्टीप्लाई करके ये आ गया 338,1840, ठीक है, अपॉन में ये 10,000 रह गया था, एक जीरो आ गया, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब एक दो तीन और एक वन है, ठीक है, 10,100,000, 10,000 अगर ये वाली टर्म है, तो हम बिना डिवाइड करे क्या करेंगे, गिनेंगे कितनी जीरो है, एक दो तीन, यहां से टर्म गिनना शुरू करेंगे राइट साइड से, एक दो तीन, तीन के बाद वन है, तो तीन के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 338.184। क्या था आंसर, कौन सी यूनिट थी, सेंटीमीटर क्यूब, तो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब हो गया हमारा टोटल शुगर सिरप, ठीक है। तो फिर लास्ट में हम कंक्लूड करके लिखेंगे, टोटल शुगर सिरप फाउंड इन 45 गुलाब जामुन इज 338.184 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्ट। इतना सा आपको काम करना है, ठीक है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे एक गुलाब जामुन का, फिर कह रहा है ऐसे ही 45 गुलाब जामुन है, 45 से मल्टीप्लाई करा, 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम 30% निकाल देंगे, क्योंकि सारे गुलाब जामुन सेम सेम है, उसमें हर एक गुलाब जामुन में 30% जो है शुगर सिरप भरा पड़ा है, तो हर एक गुलाब जामुन में 30% है, तो 45 में हर एक में 30% होगा, तो एक बार 45 की टोटल वॉल्यूम निकाल ली, तो उसके बाद हम 30% निकाल देंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो कोशिश कम करनी है कि डिवाइड सबसे लास्ट में करें, अगर बीच में डिवाइड करोगे जब तक कि पूरा पूरा कट ना जाए, जब तक करना बेकार है, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।